गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट होमोनिम्स। आज हम सीखेंगे होमोनिम्स के बारे में। होमोनिम्स वर्ड्स दैट साउंड द सेम आर स्पेल द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमोनिम्स बच्चों वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है, एक तरह से बोले जाते हैं एंड आर स्पेल द सेम, और एक ही उनकी स्पेलिंग होती है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनका मतलब डिफरेंट होता है, अलग होता है। एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण है, दैट प्राइस सीम्स फेयर टू मी। वो प्राइस, वो दाम मुझे ठीक लगता है। फेयर, तो यहाँ पर फेयर का मतलब है ठीक, उचित। आर यू गोइंग टू ईट आइसक्रीम एट द फेयर? क्या तुम फेयर में आइसक्रीम खाओगे? यहाँ पर फेयर का मतलब है मेला। तो बच्चों सेंटेंस वन और टू में फेयर 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 जो आया है उसको हम सेम साउंड है उसकी, फेयर फेयर, स्पेलिंग भी सेम है लेकिन मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, अलग है। एक जगह पर है उचित सही और दूसरे फेयर का मतलब है मेला। होमोनिम्स हम इनको कह सकते हैं मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, वो वर्ड जिनके मल्टीपल मीनिंग है, कई मीनिंग है इनके। तो होमोनिम्स हम कह सकते हैं सेम साउंड, सेम स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग। सेम साउंड, सेम स्पेलिंग, लेकिन मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट। तो हम बहुत सारे आज होमोनिम्स देखेंगे, तो उनको हम मेरे साथ बच्चों आप बोलेंगे भी और उनको सीखेंगे भी। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फ्लाई, फ्लाई, तो मक्खी को भी हम कहते हैं फ्लाई और उड़ना को भी फ्लाई। होमोनिम फ्लाई। मैच, एक मैच का मतलब है माचिस, और मैच मेल खाता है, एक जैसी, जैसे मैचिंग सॉक्स या फिर मैचिंग पेन या फिर मैचिंग ड्रेस। तो एक मैच का मतलब माचिस और दूसरा मैच सेम, मेल खाने वाला, सिमिलर। फिर है ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे स्कूल ट्रिप, ट्रिप पे हम जाते हैं, ट्रिप यात्रा। लेकिन एक बार ट्रिप का मतलब होता है लड़खड़ाना, जब हम चलते चलते गिर जाते हैं या फिर लड़खड़ा जाते हैं, ट्रिप। तो बच्चा चलते हुए सीढ़ियों से ट्रिप कर गया, लड़खड़ा गया। रिंग, तो फोन की घंटी बजती है उसको भी हम कहते हैं रिंग, और जो हमारी अंगूठी होती है उसको भी हम कहते हैं रिंग, रिंग, रिंग। कोल्ड, कोल्ड एक तो होता है मौसम, ठंडा, कोल्ड ठंडा, और एक कोल्ड का मतलब है जुखाम, जब हमें जुखाम होता है तो उसको भी कोल्ड कहते हैं, कोल्ड कोल्ड। फिर है बैंड, द मैन प्ले इन द बैंड, ये आदमी बैंड में बाजा बजाते हैं। तो यहां पर बैंड का मतलब है म्यूजिशियंस, गाना बजाने वाले। शी वेयर्स अ बैंड इन हर हेयर, वो अपने बालों में एक बैंड पहनती है। तो दोनों वर्ड बैंड है, बैंड बैंड, सेम स्पेलिंग, लेकिन एक का मीनिंग है बाजा बजाने वाले और दूसरे का है हेयर बैंड, बालों में पहनने वाला बैंड। फिर डक, डक एक तो बर्ड होता है बतख, डक, और एक एक्शन है नीचे झुकना, डक। तो नीचे झुकना को भी हम कहते हैं डक। ये होमोनिम है, सेम स्पेलिंग, सेम साउंड, टू मीनिंग्स, बत्तख या फिर नीचे झुकना। वेव, एक वेव होती है समुद्र की लहर, समुद्री लहर, वेव। दूसरा वेव होता है हाथ हिलाना, वेव, समुद्री लहर, वेव, हाथ हिलाना। लेटर, लेटर का मतलब है अक्षर, जो इंग्लिश के लेटर हैं ए बी सी डी जेड तक, जो है सारे लेटर अक्षर हैं, लेटर।
एक लेटर का मतलब होता है चिट्ठी या फिर पत्र, लेटर। सेम वर्ड सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। लेटर लेटर, अक्षर और पत्र। रूलर रूलर, एक रूलर का मतलब होता है राज करने वाला, रूलर। और दूसरा रूलर का मतलब है नापने वाला, हमारा स्केल। दो मीनिंग है यहाँ भी, राज करने वाला और स्केल नापने वाला। बार्क, जैसे कुत्ते का भौंकना, इसको हम बोलते हैं बार्क। और जो पेड़ की जो छाल होती है, बाहर की खाल होती है, उसको भी हम कहते हैं बार्क। तो बार्क भौंकना, बार्क छाल। ऑरेंज, ऑरेंज एक कलर भी है, रंग भी है, और ऑरेंज एक फ्रूट भी है। ऑरेंज संतरी रंग, ऑरेंज संतरा फल फ्रूट। बैट, बैट का मतलब बल्ला भी है और चमगादड़ भी। बैट बैट, बल्ला और चमगादड़। फिर है सो, एक सो का मतलब होता है किसी चीज को देखना, सो देखा। और दूसरे सो का मतलब है आरा, लकड़ी काटने का औजार। सो देखा, सो आरा। कट कट, अगर आपको चोट लग जाए तो उसको हम कहते हैं कट। और अगर हम किसी चीज को काटें तो उसको भी बोलते हैं कट। तो एक तो होता है चोट में कट लगना और एक होता है किसी चीज को काटना, दोनों को हम बोलते हैं कट। लाइट, एक लाइट का मतलब है हल्का, कोई हल्की चीज, लाइट, जिसको हम आसानी से उठा सकते हैं, लाइट। और एक लाइट होती है हमारी रोशनी, जो बल्ब से आती है, ट्यूबलाइट से आती है, रोशनी। सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स, लाइट। फिर है वॉच, एक वॉच का मतलब होता है टीवी देखना या फिर कुछ और देखना, वॉच। और दूसरा वॉच का मतलब है घड़ी, हाथ पर पहनी जाने वाली घड़ी। वॉच देखना, वॉच घड़ी। कैप, जो सिर पे पहनते हैं हम टोपी, उसको भी कहते हैं कैप। और किसी ट्यूब का ढक्कन, उसको भी हम बोलते हैं कैप। कैप टोपी, कैप ढक्कन। आयरन, आयरन तो जो लोहा होता है, हमारे जिसके गेट्स बनते हैं, हमारे गेट होते हैं, बेंच होते हैं, लोहे से बनते हैं, आयरन। और एक आयरन होता है हमारे कपड़ों को प्रेस करने के लिए, आयरन, इस्त्री। आयरन इस्त्री, आयरन लोहा। फिर है पार्क, एक तो पार्क वो होता है बच्चों जहां हम खेलने जाते हैं, वेयर वी गो टू प्ले, जहां हम खेलने जाते हैं, पार्क। और एक होता है गाड़ी को खड़े करना कहीं पर, पार्क। तो गाड़ी खड़े करना पार्क, खेलने की जगह पार्क। फिर है ड्रॉप, ड्रॉप गिराना, किसी चीज को गिराना, ड्रॉप। या फिर किसी चीज की बूंद, पानी की बूंदें, वॉटर ड्रॉप्स, बूंद। ड्रॉप गिराना, ड्रॉप बूंद। सील, सील एक तो होता है एक जानवर, एक एनिमल, और दूसरा होता है किसी चीज को पैक करना, सील। जानवर सील पैक करना। राइट, राइट का मतलब सही, बिल्कुल सही। और एक राइट का मतलब होता है दाईं तरफ, आगे से राइट, दाईं तरफ। राइट सही, राइट दाईं तरफ। पाम, पाम यहाँ पर एल साइलेंट है बच्चों, पाम। तो हम हथेली, हमारी हथेली को कहते हैं पाम, हथेली। और दूसरा पाम है एक पेड़, पाम ट्री। पाम ट्री, पाम हथेली। फिर है माउस, एक माउस का मतलब है चूहा, और दूसरा माउस जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, माउस कंप्यूटर टूल,
माउस, चूहा। वेल वेल, एक होता है अच्छा होना, हेल्दी होना, फिट होना, और दूसरा वेल, कुआं। वेल, अच्छा, हेल्दी। वेल, कुआं। फुट, पैर। हमारे पैर को हम कहते हैं फुट, या फिर फुट का दूसरा मतलब है नाप। जैसे हम हमारी लंबाई नापते हैं, 4 फुट या फिर 5 फुट। फुट, पैर, फुट, नापने का फुट। चेस्ट, शर्ट कवर्स माई चेस्ट। ये शर्ट मेरी चेस्ट को ढकती है। चेस्ट, छाती। व्हाट इज इनसाइड दिस चेस्ट, इस चेस्ट के अंदर क्या है? संदूक। एक चेस्ट का मतलब है छाती और दूसरी चेस्ट का मतलब संदूक। चेस्ट, छाती। चेस्ट, संदूक। लाई, लाई का मतलब होता है लेटना। लेटना को हम कहते हैं लाई डाउन, लेटना, नीचे लेटना, लाई डाउन। और एक लाई का मतलब है झूठ। तो अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी नाक लंबी लंबी होती जाएगी। लाई, झूठ, लाई, लेटना। सेम वर्ड, सेम साउंड, डिफरेंट मीनिंग्स। लाई, लेटना, लाई, झूठ। फिर है प्ले, प्ले, खेलना। लेकिन प्ले का दूसरा मीनिंग है नाटक। नाटक को भी हम कहते हैं प्ले, प्ले, खेल, प्ले, नाटक। क्रेन, क्रेन, एक तो पक्षी होता है और एक मशीन, दोनों का हम क्रेन कहते हैं। क्रेन, पक्षी, क्रेन, मशीन। फिर है रोज, रोज, जिसको हम सब जानते हैं, गुलाब का फूल, लेकिन इसका एक मतलब और है उठना। रोज, उठा। कोई अगर बैठा हो और वो खड़ा हो जाए तो हम कहेंगे रोज उठ गया या उठ गई, रोज। फिर है टाइप, एक तो हम कीबोर्ड पे या फिर हमारे मोबाइल में टाइप करते हैं, बटन्स को दबाते हैं, टाइप, दबाना, टाइप करना, लिखना। और एक टाइप का मतलब है प्रकार, किस टाइप का फ्रूट, जैसे टाइप, कौन से टाइप का, किस प्रकार का फ्रूट, किसी चीज के प्रकार, टाइप्स। तो ये सारे बच्चों हमने इतने सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स देखे जिनकी सेम स्पेलिंग थी और सेम साउंड, एक जैसे वो बोले गए लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स। तो इनको हम कहते हैं होमोनिम्स। होमो, सेम, निम, नेम, सेम नेम, वो वर्ड जिनका नाम सेम है, स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग है, या फिर हम कहें कि कई मीनिंग है, मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, होमोनिम्स। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आप होमोनिम्स को यूज करके इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे।